प्यारी प्यारी बार्बी डॉल से खेलना किसी पसंद नहीं है, और ऐसे ही एक बार्बी सिंगिंग कॉन्टेस्ट को जज करने आई। हम बात कर रहे हैं टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस आमना शरीफ की। चलिए जानते हैं आमना से उनका इस पूरे इवेंट के बारे में क्या कहना है। टेलीविजन की एक बार्बी जो आई है कुछ बार्बी पर जज करने के लिए, कौन है जरा इससे नजर डालते हैं। मैं इवेंट में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले इवेंट के बारे में जानना चाहेंगे, जज कर रहे थे क्या नहीं कराए। एक बहुत ही प्यारा सा इवेंट था बार्बी जी, और बहुत प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने सबने परफॉर्म किया बार्बी के गाने पर, और बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मुझे अपना बचपन याद आ गया। बिकॉज आई लव बार्बी एंड आई स्टिल लव बार्बी, मुझे बहुत पसंद है कि किस तरह से बार्बी को ड्रेसअप किया जाता है। पिंक की बात करें तो इन बार्बी ने पिंक करा, आपने पिंक करा, तो सोच कर रहे थे कि मुझे बार्बी बनकर ही जाना है। बार्बी के बारे में सोचते तो पिंक आपके दिमाग में आ जाता है, बिकॉज बार्बी जो सोचती है तो पिंक ग्लोन से पिंक। तो बाइक की बात अगर मैं ऐसे इवेंट में आ रही तो आई विल वेयर पिंक। काफी हाईटेक जमाना के हर कोई कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में लगे, तो ऐसे में बार्बी की थोड़ी सी डिमांड कम हो गई, तो आप किस तरह से पोर्ट्रेट करोगे। आई थिंक बिल्कुल नहीं, आप एक छोटी लड़की से पूछिए कि उसकी जिंदगी में बाबी की क्या अहमियत है, वो आपको देगी कि इट कैन नेवर गो आउट ऑफ लाइफ। आप टेलीविजन सेलेब्रिटी, अगर किसी टेलीविजन सेलेब्रिटी कोई एक टेलीविजन सेलेब्रिटी बाबी के रोल बाबी के रूप में देखना चाहोगी तो किसे होगी? कोई तो होगी जिसे चाहोगी कि यार ये बाबी के रूप में आ जाए। आई थिंक मिल कैम पर्सन बनाते मास्क के रंग चैन ईट मेरी फोन मोबाइल। टीवी के इंटरेस्टिंग एडिशन में यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।